गुनिजन सभा भारत की प्राचीन कला और परंपरा को उजागर करती एक ऐसी सभा जहां प्रसिद्ध कलाकारों के साथ होती है एक विशेष चर्चा और उजागर होते हैं कलाकारों से जुड़े कई दिलचस्प पहलू। इसके प्रस्तुतकर्ता हैं उस्ताद इमामुद्दीन खान डागर, इंडियन म्यूजिक आर्ट एंड कल्चर सोसाइटी और द डागर आर्काइव्स जयपुर। गुनिजन सभा के सदस्य बनने के लिए या और ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें शबाना डागर 9929878604 9929878604। तालीम शुरू की तब फिर समझ में आया कि तबला कितना जरूरत है, कितना वोकल कितना जरूरी है। आप एक इंस्ट्रूमेंट सीखते हैं तो पूरी वो यात्रा आपको करनी पड़ेगी, तभी आप इंस्ट्रूमेंट में आप जो कहना चाहते हैं वो तभी कह सकते हैं, पहली चीज ये। फिर दूसरा ये हुआ कि मेरे गुरुजी ने मुझे कहा कि कौन सा म्यूजिक सुनना चाहिए करके, क्या सुनना चाहिए क्या नहीं सुनना चाहिए, क्या चीज तुमको अच्छा लगता है और तुम नहीं कर पा रहे हो। हमारा जो संगीत है तो उसमें हम जब कोई मेलोडी को जब अलाप शुरू करते हैं तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम एक जगह पे ड्रॉप करते हैं, हम दूसरे फ्रेट में कैसे लेके जाते हैं और उंगलियों से उसको हमको फील करके उसको वो मैंने टेक्निक डेवलप करी है। तो वो आप जरा बहुत सब भूली लोगे, आप जरा उसको ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा कि कैसे दो उंगलियों का, क्योंकि हमारी जो पहली उंगली होती है वो सॉफ्ट होती है, सेकंड उंगली मजबूत होती है। तो जब हमको वो रेजोनेंस हम कैसे बदलते हैं और उसको हम फील करते हैं, उसके साथ खेलते हैं, ये बड़ी खूबसूरत सी चीज है। रंगदारी
कि पहले दो कैसेट मुझे खरीद के दी थी, तो दो कैसेट में मैंने, मुझे 6 महीने लग गए दूसरे कैसेट को खोलने में, पर एक कैसेट था उस्ताद विलायत खान साहब का, उसमें दरबारी राग जो उन्होंने मिला था तो वो इतना ज़्यादा अंदर चला गया था, और जो सितार की एक छेड़ है वो समझने में, मतलब मुझे समझ में नहीं आती थी, मैं अपने गुरुओं से पूछता था जो वहाँ पे सीखते थे कि इसमें एक अलग छेड़ होती है तो वो क्यों ऐसे तानपुरे जैसी खूबसूरत सी आती है, बाकी में भ्रम भ्रम करता है, वो आवाज सही नहीं आती, तो मैं बड़ा परेशान था, पर किसी ने बताया नहीं कि ये क्या कारण क्या है, कि वो खूबसूरती है कैसी। जब यहाँ गए जब करा तो उन्होंने बोला कि ये क्यों लगाया है, कुंभा क्यों लगाया है, इसका कोई फ़ायदा है, तो मैंने बोला कि पता नहीं। बोले तो इसको क्यों बोझ क्यों ढो रहे हो, तो मुझे बात जची, मुझे तो लगा कि ये बोझ ही है सही में, तो बोले कि इंस्ट्रूमेंट को, जो भी इंस्ट्रूमेंट है पहले उस इंस्ट्रूमेंट को पहचानो, वो कहना क्या चाहता है वो समझो, और उस समय ये सब तो अपनी बात ही कुछ समझ में नहीं आती थी, तो ये कहाँ समझ, पर आज वो जो बात है वो अंदर गई भी है, इंस्ट्रूमेंट आपसे कुछ कहना चाहता है, तो सबसे पहला ये चीज़ होता है कि आप इंस्ट्रूमेंट को समझें कि इंस्ट्रूमेंट कहना क्या चाहता है, फिर यात्रा शुरू होती है कि आपने जितना सीखा हुआ है आप उसको अपने सितार पे उतार पाते हो कि नहीं उतार पाते हो, अगर उतार नहीं पाते हो तो क्या कमी पड़ रहा है कि उसको आप समझो, तो वो जर्नी उन्होंने उसी समय बैठ के, वो ऐसे करके पीछे उनका पूरा इंस्ट्रूमेंट का वो रहता था, आप तो गए भी होंगे उनके करने, वो ऐसे करके उठाया उन्होंने एक फाइल, तुरंत उसको रगड़ दिया और एकदम उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हैं, मतलब समझ में, तो जवारी कैसे करना है वो भी सीखने को मिला, तो पूरा उन्होंने चेंज कर दिया। अब फिर उन्होंने जब दिया और मैंने जब सबसे पहला स्ट्रोक लगा तो मेरे को लगा कि यही तो मुझे चाहिए था, मतलब वो जो गंधार पंचम की जो टोन थी वो मुझे, मतलब वो यात्रा थी मुझे। गुनीजन सभा का सदस्य बनने के लिए या और ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें शबाना डागर 9929786604।